पानी लाके दे प्यास तो लगल छे ठीक छे जे छे कका कहबे ए लेकिन कका हो कका येरो बहुत तेज छे रे हमें बंगला छिया की बात पहले दरवाजा पर से ने आबा ना साहब की साहब एक बार चा चला तो फिर साहब छोटका जात बन के लदना सब के इज्जत पर दिखा।
पूरा लेकिन इतना मारपीट
कैलन एक गरीब आदमी सात दिन से हमरा घर में चूल्हा नहीं जरले सरकार आए हैं सिपाही बाबू बेटी पुतो के सब के मार पीट के जब तक खाए ले सरकार नहीं घर में आन कहां से सरा दवाई दादा कुल कुल पर जगह जी जी सुनाओ आज से ये नया कानून लागू हो गया कि जितने भी प्रजागण हैं तब लोग 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते हो न किसी टेबल न किसी इदारा न किसी पोखरा पर जा सकते हो महाराज 10 बजे के बाद हमारी बहू बेटियां पानी लेकर आएगा किस टाइम वो खाना बनाएगा फिर हमारे बाल बच्चा किसी राजा महाराजा का कोई काम करने के लिए जाएगा तो कोई रखेगा महाराज सुनिए क्योंकि जितने भी छोट बरन हो हाँ महाराज जितने भी प्रजा हैं तुम लोग सुबह सुबह सबसे पहले निकलते हो तो पान गुटखा शिखर पराग खा करके रोड पर फेंक देते हो जी महाराज सुबह सुबह तुम लोग निकलते हो किसी टेबल किसी नलका किसी पोखरा के नजदीक जाते हो उसमें तुम लोग स्नान कर लेते हो थूक फेंकते हो तुम लोग का बहु बेटिया है गंदा गंदा कपड़ा खींच रहे हैं उसमें साफ करते हैं जितने भी काशी नगरी में बड़े जाति हैं हाँ वैस है ब्राह्मण है क्षत्रिय है उन लोग से पहले तुम लोग जब पहले चले जाते हो तो इसीलिए तुम लोग 10 बजे से बाद में निकलना होगा 10 बजे से पहले नहीं महाराज बोलो 10 बजे के बाद हम निकलेंगे तो कितने दिन तक कोई नहीं बाल बच्चा को मजदूरी में रखेगा महाराज कैसे हम लोग जाएंगे काशी नगरी में ये बात तो मैं जानता हूँ हाँ महाराज कि 10 बजे से पहले तुम अगर निकलोगे जी तो तुम लोग को कोई मजदूरी में नहीं रखेगा लेकिन 10 बजे से पाले अगर निकलने के लिए चाहते हो हाँ महाराज तो सुनाओ इसमें एक नया कानून लागू हो गया है